स्पेशली अगर मैं फर्स्ट टाइम मदर्स की बात करूं तो मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होता कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, और जिनको पता होता है वो कभी भी आपसे खुलकर कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को ऐसे बोलेंगे कि अरे हमें अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग बनाने में दिक्कत हो रही है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो लोग उनको बोलेंगे कि अरे ये तो अच्छी मदर नहीं है, या फिर उनको एक परफेक्ट मदर का टैग ही नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं लोगों के अंदर डिप्रेशन को लेकर। स्पेशली डिप्रेशन वर्ड सुनते ही लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि मेडिकली भी ट्रीट करने में लोग शेम मानते हैं कि अरे ये इंसान जो है वो डिप्रेशन में है, मतलब लोग उसको नेगेटिवली देखते हैं। कि मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ऐसे क्यों हैं। जिस टाइप से और बीमारियां होती हैं वैसे ही डिप्रेशन भी है। किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा जब एक्सेस हो जाता है ये, तो ऑब्वियसली वो लोग उसको मेडिकली भी ट्रीट करते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपस में लोग डिस्कशन ही नहीं करते इसके बारे में। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को ना, अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं तो प्लीज खुलकर आप इस चीज को डिस्कस करें औरों के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ, जो भी आपके घर में आपके हस्बैंड हैं उनके साथ आप खुल के इस बारे में बात, जितनी आप बात करेंगे ना उतना ज्यादा ही आप इसमें कंफर्टेबल होंगे और अपने को आप जल्द से जल्द ट्रीट कर पाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, जिसमें मैं बात करूंगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं भी करते और कई लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के तो आप उसको समझ सके और जल्द से जल्द आप उसे ट्रीट कर सके। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जनरली जो न्यूली मदर्स होती हैं वो फेस करती हैं आफ्टर डिलीवरी अ बेबी। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल हेल्दी थी, आपकी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी, तो इसलिए आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस नहीं कर सकते। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कनेक्शन आपकी हेल्दी और अनहेल्दी प्रेगनेंसी से या फिर आपकी नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी से बिल्कुल भी नहीं है। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद जो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मंथली जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे आपको मूड स्विंग्स होना या फिर इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये बहुत ही नॉर्मल होता है ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस। वैसे ही जब आपकी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जब आप बेबी डिलीवर करते हैं तो सडन हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करते हैं। अब ये कोई बीमारी नहीं है, ये न्यू मदर्स की जर्नी का ही एक पार्ट होता है। स्पेशली मैं अगर फर्स्ट टाइम मदर्स की बात करूं तो वो ये बहुत ज्यादा फेस करती है एज कम्पेयर टू सेकेंड टाइम मदर्स। इसमें मूड स्विंग्स होना, एंग्जाइटी होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, या फिर भूख नहीं लगती है, रात को नींद भी नहीं आती है, कई बार आप छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप फेस कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी। और जनरली जब डिलीवरी के जब आपकी डिलीवरी होती है उसके स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स होते हैं उसमें आप ये सिम्टम्स आप मतलब देख सकते हैं अपनी बॉडी में। और अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये बढ़ भी सकती है। मतलब कई लोगों को तो 1-1 साल तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन रहता है और उनको खुद ही नहीं पता चलता कि हम जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और वो उसको ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद मैंने भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस किया था। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये चीज़ फेस करते हैं लेकिन वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हमें ऐसा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो सोशल मीडिया में एक्टिव है, इंस्टा में फोटोज ये अपलोड कर रहे हैं या फिर यूट्यूब में ये एक्टिव है, फेसबुक में ये एक्टिव है, ये तो हमेशा खुश रहते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या डिप्रेशन हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अ दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि केवल हैप्पी मेमोरीज ही दूसरों के साथ शेयर करी जाए, कभी भी नेगेटिव चीज़ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मैं कभी भी किसी के साथ शेयर
नहीं करती हूँ, ये मेरा नेचर है, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के हूँ। उसके बाद भी मैंने ये डिप्रेशन फेस किया है, बट इतना ज़्यादा सीवियर नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं बैक टू नॉर्मल हो गई थी। इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद मेरी मदर यहाँ पर 1.5 मंथ के लिए आई थी मुंबई, और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ होम टाउन चली गई थी। वहाँ पर मेरे पापा थे, मेरा भाई था, मतलब सब कुछ, मुझे सपोर्ट था वहाँ पर, मुझे डाइट बहुत अच्छी मिल रही थी। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बिना किसी मतलब एक स्ट्रिक्ट डाइट के मैंने मतलब नॉर्मली ही मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया था। बहुत कुछ था, मतलब फिजिकली बिल्कुल फिट थी मैं, मुझे कोई भी बैक पेन नहीं था। इनफैक्ट मेरा सी सेक्शन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सही थी मैं। उसके बाद भी मैंने डिप्रेशन फेस किया। तो क्यों मैंने ये डिप्रेशन फेस किया? मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स बिल्कुल खुश रही, डिलीवरी के टाइम पे मैं बिल्कुल खुश रही, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। उसके बाद भी हम ये डिप्रेशन फेस करते हैं। रीजंस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, फर्स्ट थिंग इज, जो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा रीज़न है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, वो है ये है कि मैंने कभी भी किसी की हेल्प नहीं मांगी। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करते। तो मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी के बाद कुछ भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। इनफैक्ट सुरेश के साथ भी मैंने कभी डिस्कस नहीं किया कि मुझे समझ में, क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं इतना डिप्रेस क्यों फील कर रही हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता था, रात भर मैं ढंग से सोती नहीं थी, इवन अथर्व सो जाता था लेकिन मैं नहीं सोती थी। मेरे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एंग्जाइटी फील होती है, आपको भूख भी नहीं लगती, मतलब काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ डिस्कस ही नहीं किया। इनफैक्ट मेरी मम्मी मेरे पास थी लेकिन फिर भी मैं उनसे भी खुलकर चीज़ें नहीं बोल पा रही थी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना अपने ऊपर कि आपका जो नेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो आप उसी टाइम आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, या फिर आप अपने जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे भी डिस्कस करें। इनफैक्ट जब आप डिलीवरी के बाद जब आप डिस्चार्ज होते हैं, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स भी आपको इसके बारे में बताते हैं कि अगर आपको ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम्स लगे कि आपको ज़्यादा मूड स्विंग्स हुआ, आपको एंग्जाइटी हो रही है, या फिर कुछ भी आपको अपने बेबी के साथ बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार यहाँ पर आकर दोबारा से कंसल्ट ज़रूर करें। मेरे भी डॉक्टर ने मुझे ये कहा था, लेकिन एक बोलते ना कि उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान उस टाइम पर नहीं दिया, पर आप लोगों को देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सेकेंड थिंग इज़ वेन यू वॉन्ट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। यार जब आप न्यूली मदर जब आप बनते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे सजेशन देते हैं, जैसे कि बस आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, टॉप फीडिंग तो करानी ही नहीं है, डायपर तो बच्चे को पहनाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पहनाना है। तो एज अ न्यू मदर मैं भी सबके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की कोशिश करती रही, जैसे कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग करवाई, बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ब्रेस्ट फीडिंग में, मुझे क्रैक्स हो गए थे, और क्रैक्स के साथ साथ मुझे ब्लडिंग भी हुई। इवन देन आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग अथर, सो लिटरली इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। और मैं अब सोचती हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब मैंने कैसे फेस करी, मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसे वो टाइम निकल गया। उसके बाद मैं डायपर्स नहीं बनाती थी अथर्व को, बिल्कुल भी डायपर्स नहीं बनाती थी, रात को भी कभी डायपर्स नहीं बनाती थी, और रात भर उठ उठ के मैं नैपी चेंज करती रहती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि अथर्व भी क्रैंकी रहता था, वो भी नहीं सोता था ढंग से, और ना तो मैं सोती थी। तो पूरी रात तो आपकी पूरी जाती है और पूरा दिन भी आपको पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो एक मिसकंसेप्शन है कि यार डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 24 आवर्स आप कोशिश करो कि नहीं पहनाओ, बट थोड़ा बहुत आप डायपर्स पहनाएं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा भी मतलब बोलते ना, अपनी हेल्थ से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए, और थोड़ा बहुत आप अपने डिसीजंस भी लीजिए, जिससे कि आप भी थोड़े बहुत रिलीफ हो पाए। थर्ड थिंग इज़ वेन यू डू नॉट गिव टाइम टू योरसेल्फ। यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं न्यूली मदर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप जैसी बेबी जब बॉर्न होता है ना, उसके बाद आपका रूटीन जो होता है ना, वो सडन चेंज होता है। आपका जो पहले रूटीन था और अब जो आपका रूटीन होने वाला है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। आप पूरी प्रायोरिटी आप बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आप अपने को कहीं ना कहीं आप मतलब लैक नहीं करें। तो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए ज़रूर निकालिए, दिन में 15 to 20 मिनट्स आप ज़रूर निकालिए अपने लिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, कुछ भी आपको करना है, आप वो काम ज़रूर करिए, जिससे कि आप थोड़ा सा मेंटली भी आप थोड़ा सा फ्री रहें।
एक और चीज़ जिसकी वजह से भी आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करते हैं कि जब आपकी डिलीवरी होती है ना, तो उसके बाद सब लोग आपको बोलते हैं कि अरे बस आपको लेटे ही रहना है, कुछ काम ही नहीं करना है, बस आप अपने बेबी को देखो और कुछ करो ही मत। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी डाइट में भी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और रिस्ट्रिक्शन में आपको टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, बस एक कमरे में बंद हो जाओ और कुछ करो ही मत। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि इससे आपकी जो बॉडी है वो फिजिकली जल्दी रिकवर हो पाए, पर मेंटली जो आप डिप्रेशन जो आप फेस करते हैं वो आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि आप डिलीवरी आपकी जैसी हुई तो आपको जो मन आया आप वो खाना शुरू कर गए, या फिर आपको भागने का मन हुआ, दौड़ने का मन करा तो आप वो करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ना केवल आप फिजिकली फिट हों बट मेंटली भी आप साथ साथ रिलीफ फील करें। डिलीवरी के बाद ना आप थोड़ा बहुत एक्टिव भी रहिए, अपने बेबी के साथ साथ आप और काम भी करते रहिए घर में, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप वो सब करिए, जिससे कि मेंटली जो आपका एक ध्यान होता है ना वो थोड़ा बहुत और भी कहीं रहे। नेक्स्टली मैं बात करूंगी कि मैंने अपनी सेकेंड डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन फेस किया या नहीं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन फेस किया ही नहीं, क्योंकि सभी जो मदर्स होती हैं ना वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो फेस करती हैं। स्लीपलेस नाइट्स होती हैं आपकी, थोड़ा बहुत क्रैंकी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। फिजिकली अभी आप इतना ज़्यादा फिट नहीं रहते स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत तो हुआ, बट फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो मैंने फेस किया था उसका ये बिल्कुल 1% है फ्रेंड्स। और बहुत सारी चीज़ों ने मेरी हेल्प करी है, जैसे फर्स्ट थिंग इज कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो चीज़ें मैंने करी थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि मुझे डिप्रेशन हुआ था, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी रिपीट नहीं करी। इस बार मैंने लोगों की बहुत कम सुनी और अपने डिसीजंस ही मैंने लिए। और ऑब्वियसली यार थोड़ा सा एक होता है ना, सेकेंड टाइम मदर्स जो होती हैं वो डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम मदर्स। तो ये तो इसमें मैं फ़ायदे में रही हूँ कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अभी जो हैं वो मेरी नॉर्मलाइज हो गई। पर अर्थ के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है वो ज़्यादातर चीज़ें मैं ही डिसाइड करती हूँ। और हाँ, मैं लोगों की सुन लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लोग मुझे सजेशन देते हैं तो मैं सुन लेती हूँ, बट उन सजेशंस को अडेप्ट करना है या नहीं करना वो मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ। सेकेंड थिंग इज़ कि इस बार मैंने सुरेश को स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व किया था। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि सुरेश ने बहुत ज़्यादा इस बार हेल्प करी है मेरी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। सो यस, स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपका बेबी जो है वो बार बार उठता है रात को, हर एक घंटे में, हर दो घंटे में बच्चे उठते रहते हैं फीडिंग के लिए। तो इस टाइम पे क्या था, जब मैं रात को उठती थी ना तो उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आप अकेले बैठे रहो, फीड कराते रहो, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे। तो सुरेश भी साथ में उठ जाते थे, थोड़ा सा एक होता ना कंपनी हो जाती है थोड़ी सी आपको, आप कुछ बात कर रहे हैं आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो वो सुरेश करते थे मेरे साथ। कई बार वो रात को उठ जाते थे मेरे साथ, या फिर अर्थ को कभी सुलाना है गोदी में लेकर इधर से उधर, तो वो थोड़ा सा कर लेते थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लगता था। अभी तो अर्थ 3 मंथ्स का हो गया है, तो अभी उसकी नींद जो है वो काफ़ी बेटर हो गई है पहले से, रात को सो जाता है, तो अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ होता है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप किसी की हेल्प जरूर लें, और अगर आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले रहे हैं तो इट इज बेस्ट आई थिंक। थर्ड थिंग इज़ कि मैंने अर्थ को स्टार्टिंग से ही डायपर्स बनाए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कई लोग कितने लोग इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को डायपर पहनाना है या नहीं पहनाना है, इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर। बट मैंने अपने डॉक्टर से सजेशन लेकर डायपर्स पहनाए हैं। 24 आवर्स में नहीं पहनाती हूँ, बट जैसे रात को पहनाने हैं रात को पहनाती हूँ, कभी मॉर्निंग में बिजी होती हूँ, कभी अथर की क्लासेस में बिजी होती हूँ, कुछ भी मतलब काम होता है तो मैं उसको डायपर पहना देती हूँ। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इट इज़ अ बिग रिलीफ। यार मैंने सोचती हूँ कि मैंने अथर्व के टाइम पे ऐसे क्यों नहीं किया, क्यों मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि यार रात को डायपर्स यूज़ कर लो तो बच्चे अच्छे से होते हैं। बट अर्थ को जैसे मैं रात को डायपर बनाती हूँ तो वो बहुत ही अच्छा से होता है, वो मतलब बोलते हैं ना प्रॉपर वो स्लीप लेता है, ऐसे बार बार नहीं उठता कि बस एक बार टॉयलेट करी और उठ गए, जैसे कि अथर्व उठता था, वो तो थोड़ा सा भी गीला करता था नैपी तो बच्चे एकदम से उठ जाते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है। जब तक आप नैपी चेंज करते हैं तो बच्चे की नींद बिल्कुल ही भाग जाती है, आपको दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को सुलाने के लिए। तो अर्थ तो बहुत ही अच्छा सोता है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ डायपर्स ओनली। मुझे नहीं पता कि लोग यार क्यों नहीं सजेस्ट करते हैं डायपर्स, और मैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि ओवरनाइट बच्चों को आप डायपर्स पहनाएं, आप खुद भी अच्छे से सोएं और बच्चा भी आपका अच्छे से सोएगा। हाँ, बीच बीच में चेक आप कर सकते हैं डायपर्स को, अगर बच्चा उठ रहा है तो आप उस टाइम पे चेक करें कि बच्चे ने जो डायपर है वो गीला करा है या बच्चे ने पूप तो नहीं करी है, तो उस टाइम पे आप डायपर चेंज कर ले।
बट जनरली जो होता है वो ओवरनाइट डायपर जो होते हैं, अच्छे वाला डायपर्स आप यूज़ करें बिल्कुल प्रीमियम वाले, तो वो बहुत ही अच्छे रहते हैं और वो ओवरनाइट चलते हैं और बच्चा भी उसमें बिल्कुल वेट भी फील नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग इज कि सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे ऑब्वियसली अथर्व मेरे साथ रहा है, तो मैं बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं थी। अथर्व के टाइम पे तो मैं बिल्कुल ही बेड पे रहती थी, बस कुछ और काम था ही नहीं, बस अथर्व को ही देखना होता था। बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अर्थ के साथ साथ अथर्व भी है घर में, उसके स्कूल की एक्टिविटीज, उसकी क्लासेस, और दिन भर कुछ ना कुछ रहता ही है उसके साथ, मैं पूरा बिजी रहती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा टाइम हम मैं अपने सेकंड चाइल्ड को ही दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अथर्व के साथ भी उतना ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक आपका जो एक होता है ना माइंड थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्ट रहता है, तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से सेटल हो पाती हैं। ये भी मैं आपको बोलूँगी कि इस टाइम क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं लिया है, तो मुझे थोड़ा बहुत मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, जो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये एक नेगेटिव रहा है इस बार सेकेंड डिलीवरी की, कि मैं दिन में कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। उस टाइम पे मुझे जो भी अच्छा लगता है, जैसे कि अभी यूट्यूब का कुछ काम करना होता है या फिर अपना मोबाइल देखना होता है, कोई सीरियल देखना होता है मुझे टीवी में, तो मैं वो देख लेती हूँ। बेसिकली आप वो काम करिए जिससे कि आप थोड़ा सा खुश रहें, और उस टाइम मतलब वो टाइम आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। दिन में 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलता है वो टाइम आप ज़रूर। इस टाइम पे मैं घर का कोई भी काम नहीं करती हूँ, ना मैं बर्तन धोती हूँ, ना मैं कुछ खाना बनाती हूँ, मैं बस इस टाइम को केवल अपने लिए रखती हूँ। और ये बेसिकली दिन में ही होता है जब अर्थ और अथर्व दोनों ही नैप लेते हैं, तो वो मुझे अच्छा टाइम मिल जाता है। इवन मैं तो बोलती हूँ कि 1 to 2 आवर्स मुझे ईजिली मिल जाते हैं दिन में, जो कि बहुत ही मी टाइम मतलब मेरा हो जाता है उस टाइम पे। इस बार तो इवन हम लोग एक ट्रिप पर भी होकर आ गए, जिसकी मैंने आपके व्लॉग्स अभी शेयर कर रहे थे, वहाँ भी हम होकर आ गए और इतना रिलैक्स हो गया है ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया है। अथर्व के टाइम पर तो हम लोग कितने टाइम तक कहीं गए ही नहीं, क्योंकि ना हर कोई बोलता है कि अरे इतने छोटे बच्चों को यहाँ नहीं ले जाना है, वहाँ नहीं ले जाना है, ठीक है। और हम यार देखो मुझे नहीं पता कि कई लोग ये चीज़ मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप कैसे बच्चे को, कैसे आप पेरेंटिंग कर रहे हैं बच्चों की। बट अथर्व के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमने बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। बट अर्थ के टाइम पे ना थोड़ा बहुत मैंने ये नोटिस करा है कि इतना ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्ट जब हो जाते हो ना, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हर चीज़ की ना बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि आप सेल्फिश मॉम लगेंगी अगर आप कुछ टाइम अपने लिए निकाल लेंगी। अगर आपको पार्लर जाना है या फिर आपको फेशियल कराना है, आपको हेयर कटिंग करानी है, कुछ भी आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज करना है, अगर आप ऐसा कुछ कर लेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि अरे तो ऐसी मदर है, तो ये लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुने। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना खुश आप खुद रहेंगी उतना ही खुश आप अपने बच्चों को भी पाल सकेंगी, और दिन भर जो भी आप बच्चों के लिए करेंगी ना वो बहुत ही खुशी खुशी करेंगी। और अगर आप खुद ही आप मेंटली स्ट्रेस में रहेंगी, यार खुद ही आप दिन भर ना आपने कपड़े चेंज करे हैं, ना आपने अच्छे से बात लिया है, ना आपने फेस वॉश करा है, कई बार तो हेयर वॉश होता ही नहीं है हफ्तों हफ्तों बाद। मुझे याद है कि अथर्व के टाइम पे एक एक हफ्ता निकल जाता था मेरा हेयर वॉश ही नहीं होता था, तो वो टाइम भी आया था एक लिटरली। बट ऐसा होता है बहुत सारी मदर्स के साथ, ऐसा होता है, तो ये चीज़ आप नहीं करें। और मैं बार बार वही बोलूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम मदर हैं तो ये नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर ये फर्स्ट टाइम मदर्स ही करती हैं, सेकेंड टाइम मदर्स ये बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें कैसी होनी है। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी हो। और इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मदर तो डोंट बी शाय फॉर एनीथिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इट्स ओके, अगर सब कुछ आपको पता हो ये जरूरी नहीं है। यू आर नॉट अ बैड मदर एट ऑल, एंड ये चीज सिर्फ आपके साथ ही हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम लोग ये चीज सफर करते हैं, ये सब कुछ नॉर्मल ही है, ठीक है ना। तो आप ओपनली चीजों को डिस्कस करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ओपनली इसके बारे में बात करेंगी ना उतना ज्यादा ही आप ठीक फील करेंगी ना। तो एट लास्ट यार मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को आप ठीक कर सकते हैं केवल बात करने से। अगर आप चीज़ों को या फिर अपने व्यूज़ को या क्या आपके साथ हो रहा है अगर आप डिस्कस ही नहीं करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, और आप बोलते ना इसको और सीवियर करते जाएंगे। तो कुछ भी आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, अगर आपने अभी डिलीवरी हुई है आपकी और आपको थोड़ा सा भी अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है या बेबी के साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी नहीं बन रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों मेरी डिलीवरी हो गई, क्यों मैंने बेबी कर लिया, मतलब आपको कुछ ऐसी सी फीलिंग हो रही है, तो अपने पार्टनर के साथ आप जरूर इसको डिस्कस करें। जितना ज्यादा आप इसको डिस्कस करेंगे उतनी जल्दी आप इस चीज से बाहर निकल पाएंगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।